वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफी सारे लोगों को पेट की टीबी हो जाती है, जिसको आंतों की टीबी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि पेट की टीबी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर टीबी की बीमारी का पता करके उसका सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से टीबी की बीमारी के बिगड़ जाने के कारण काफी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट की टीबी, जिसको आंतों की टीबी भी कहा जाता है, तो इसके होने पर क्या लक्षण आते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। पेट में दर्द का होना, वजन का कम हो जाना, खून की कमी का हो जाना, रात को पसीना आना, भूख में कमी हो जाना, बुखार का आना, बार बार दस्त का होना, लंबे समय तक कब्ज का ठीक ना होना, खाना खाते ही उल्टी का होना, और भाइयों, पेट में पानी का भर जाना। तो भाइयों, पेट की टीबी के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण है तो आपको तुरंत ही चेस्ट एक्सरे किए हुए छाती का एक्सरे करा लेना चाहिए, और सुबह खाली पेट का एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। भाइयों, अगर आपको टीबी की शिकायत आती है तो आप सरकारी अस्पताल में जाकर टीबी का फ्री और पूरा इलाज कर। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।